एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम इसके अंदर क्या देखने वाले हैं, हम वेरियस लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर हम देखेंगे मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में, एवोगैड्रो लॉज। सो वो अब आपका मैं बताने लगी हूँ भी आज हम इस वीडियो में क्या करने लगे हैं। उससे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे नाम के साथ आपको एक बेल आइकन दिखेगी, उसे आपने प्रेस करना है। तरीका मैंने आपको दिखा दिया है, वीडियो के जस्ट नीचे मेरा नाम लिखा होगा और साइड पे बेल आइकन होगी। इससे क्या होगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। सो अब हम देखते हैं रिव्यू जो आज हम करने वाले हैं इस हमारे टॉपिक में। सो देखिए क्या है टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हम कौन से लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड जो लॉ हम देखेंगे वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ जो लॉ है वो है गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस। और लास्ट लॉ जो हम देखने लगे हैं, जो बेसिकली एक हाइपोथेसिस है, वो ये है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। सो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट लॉ की तरफ। सो बच्चों, अब हम देखने लगे हैं फर्स्ट लॉ, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि नाम ही बता रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि मास को कंजर्व करके रखना है। कंजर्व करने का मतलब क्या होता है, भी अपने पास उसे बचा कर रखना है, ना उसे टूटने देना है ना उसे फर्दर बनने देना है, जितना है उतना ही रखना है। कंजर्व यही होता है ना, मतलब आपने कुछ जमा पूंजी अपने पास रखी हुई है। कंजर्व करने का मतलब क्या होता है, सेव करना, राइट। तो वही इधर होता है भी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं आपको मैं बता चुकी हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल चेंजेस क्या होती है। फिजिकल चेंजेस तो जैसे जो हम देखने में हमें पता चलते हैं, कलर का चेंज होना, शेप का चेंज होना, ठीक है, डेंसिटी का चेंज होना, ये सब होता है। लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जब कोई रिएक्शन अकर करती है तो जो फर्दर चेंजेस होते हैं, जैसे हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं तो जो चेंजेस होते हैं। तो किसी भी तरह के चेंजेस में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अब आपको इसको मैं एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू ये जो चीज मैंने बताई है, ये लॉ जो बताया है, ये कैसे हुआ। इसका मतलब हुआ ए प्लस बी गिव्स ए बी। अब ये एक रिएक्शन है। अब देखिए बच्चों, ए क्या है, ए जो है हमारा रिएक्टेंट है, बी भी हमारा रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, जो मास, टोटल मास, कल्ला मास नहीं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब ए का मास प्लस बी का मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो इनका मास आएगा, इस कंपाउंड का मास आएगा वो इसके इक्वल आएगा, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। मतलब क्या हुआ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो आप मास को बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बिकॉज इट इज कंजर्व्ड। वो वैसे का वैसे कंजर्व कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है, समझ रहे हो। क्योंकि इन दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है, तो ना तो मास क्रिएट हो रहा है ना ही मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कैसे होता है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ओ टू, मतलब ये जो है कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करती है एटमॉस्फेयर में और क्या बनाती है, ये सीओ टू बनाती है। अब अगर मैं कार्बन का मास लूं बच्चों तो वो होता है 12 ग्राम्स, ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, ओ टू है ना, तो क्या हो जाएगा 2 × 16 कितना हो जाएगा 32। तो इधर हम मास को रिएक्टेंट निकाले तो क्या आएगा, 12 + 32 कितना हो जाएगा 44, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट तो 44 आ गया। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट में क्या है, सीओ टू बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सी का क्या होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16, ऑक्सीजन कितने हैं दो, तो क्या आ जाएगा 2 × 16 क्या आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 44,
मतलब कि जो मास इन दोनों का पहले था अलग अलग इंडिविजुअली, वही मास बाद में है, मास कंजर्व हो गया है, ना तो नया मास बना है ना ही कोई नया मतलब मास कम बना है, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू आई है, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा आती तो मतलब और मास क्रिएट हो गया, कम आती तो मतलब मास डिस्ट्रॉय हो गया। नहीं, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट इज कंजर्व्ड। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप इसे पॉज कीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मेरी मानेंगे तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करते आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होता। जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं डिक्टेट करती हूँ आपको क्वेश्चन। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ NaCl टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज फॉर्म्ड इफ इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट की वैल्यू निकालनी है आपने यहाँ पे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। अब बच्चों मैं पहले सारा लिखूंगी, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ रही हूँ फिर से, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखो, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विल रिएक्ट विद, मतलब रिएक्टेंट की बात हो रही है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस करो, रिएक्टेंट क्या, विल रिएक्ट विद इतना ऑफ NaCl, मतलब ये NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, टू प्रोड्यूस मतलब ये कुछ प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्या होता है, Ag, क्लोराइड क्या होता है, Cl, AgCl, ठीक है, एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब अगर किसी को नहीं आती है रिएक्शन बनानी तो एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ आपको। रिएक्टेंट पता है क्या है, जब आप एक चीज बना लोगे, जैसे ये तो सिंपल है ना, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन को जोड़ोगे तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो जो रह गया वो कैसे बनाते हैं, देखो AgCl बन गया, Ag बन गया, Cl बन गया, रह क्या गया, Na और Na, NaNO3। तो Na पॉजिटिव है तो उसको पहले लिखेंगे Na, फिर NO3 लिखेंगे, ठीक है, टफ नहीं है, सिंपल है, कई क्वेश्चंस में तो दे ही रखी होती है रिएक्शन, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है हमें निकालना है सिल्वर नाइट्रेट का, इसका इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, प्लस करो, NaCl का कितना दे रखा है 5.85 ग्राम, इक्वल टू लगा दो, रीजन क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है ना हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इधर वाली वैल्यू उधर वाली वैल्यू के इक्वल है, एक्स प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल टू कितना, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है 14.35, प्लस NaNO3 कितना बन रहा है 8.5 ग्राम्स। तो अब आप आंसर निकाल सकते हो एक्स का, देखिए क्या होगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, इधर बनेगा 22.85, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ताकि हमारा गलत ना हो, हाँ जी इधर बनेगा 22.85 मास ऑफ रिएक्टेंट की तरफ ये है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 5.85, क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 17। तो मतलब क्या हुआ इसका, 17 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए वो यहाँ क्या करेगा, नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, ठीक है, तो वो भी मैं तरीका आपको आगे जाके फर्दर जब हम मोल कंसेप्ट को पढ़ेंगे ना तब बताऊंगी, मोल्स आ गए तो क्या करना है, तो टेंशन नहीं लेनी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो बच्चों अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए क्या है क्वेश्चन, ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां पर ऐसे पूछा जाता है भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसे प्रूव करो भी, क्या ये रिएक्शन इसे ओबे कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, तो आपने प्रूव करना है इस मास को भी ये ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, अगर आपको दे दिया जाए ये रिएक्शन, आपको दे दी गई है रिएक्शन को मैं
लाइन टू लाइन रीड आउट करने वाली हूँ, इसे ध्यान से देखिए। 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, ठीक है, ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, जब हम इथेन की क्या करेंगे, कंबशन करेंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। हमें ये बताना है भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये फॉलो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें करना क्या है, मैंने बोला है इथेन, इथेन क्या होता है बच्चों, C2H6। आगे जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बताऊंगी कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेनी, रिएक्शन में बता रही हूँ कैसे करना है। कहीं सोचो ये तो नाम ही अजीब अजीब आ रहे हैं, वहां सॉल्व कैसे करेंगे, करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, केमिस्ट्री है, ठीक है। सो इसे इंटरेस्टिंग वे से पढ़िए, ना कि ये टेंशन में भी कैसे करेंगे। इथेन मैंने बोला कंप्लीट कंबशन, कंबशन का मतलब है भी O2 के साथ रिएक्शन। ये क्या दे रहा है बच्चों, CO2 दे रहा है, और क्या दे रहा है, H2O दे रहा है। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस दिस रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ, हमें क्या देखना होता है भी कितने कार्बन प्रेजेंट है। बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो दो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कितने कार्बन है, एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पहले आप दो लगा दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं इस रिएक्टेंट वाली साइड में, छह हैं, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, छह होने चाहिए। यहाँ कितने हैं, दो, तो यहाँ तीन लगा दूंगी जो छह हो जाएंगे। अब देखिए O2 कितने हैं, यहाँ तो दो है O2, ठीक है, ऑक्सीजन में बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन तो दो है ना, O तो दो है ना, यहाँ पर कितने हैं देखो, 2 × 4, 2 × 2 कितना हुआ, 4, 4+ कितने हुए, 3, 7 है, यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी भी, यहाँ 7 आ जाए, ऑब्वियसली मैं यहाँ 7/2 लिखूंगी। एक तरीका बता रही हूँ, मतलब 7/2 × 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा ना, समझ रहे हो, मैथमेटिक्स के तरह से ऐसे हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब देखो बच्चों इस रिएक्शन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब नीचे 2 आ गया, मतलब इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, सारी रिएक्शन को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिवाइड में कुछ ना रहे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2, यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारी हो गई रिएक्शन की बैलेंसिंग। होप सो आपको बैलेंसिंग समझ आई होगी, पहले रिएक्टेंट वाली साइड का गिनते जाओ और वहां पर इक्वल करते जाओ, ठीक है। अब ये हो गई हमारी बैलेंसिंग, अब हमें क्या देखना है, एक फंडा सा आपको, मतलब सिंपल सा फंडा बताऊं, देखो अगर ये जो इसके कोफिशिएंट्स लगे हैं इसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके 2 मोल, ये मैं बोल रही हूँ 2 मोल है, इसके 2 मोल ऑक्सीजन कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 7 मोल, मतलब इसके 2 मोल जो है किससे रिएक्ट कर रहे हैं, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन से ना, 2 है इधर, 7 है, उस वजह से बोल रही हूँ मैं। तो अगर मैं इसका बोलू 1 मोल तो क्या हो जाएगा, 7/2 ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 7/2 मोल्स हो जाएंगे। अब आपसे देखो पूछा क्या क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि नहीं करता, तो दोनों तरफ का आपको मास देखना है ना, दोनों तरफ के मास को ऐड करोगे, तो पहले हमें इनका मास तो पता ही नहीं क्या है, तो हम मास कैसे निकालते हैं। देखो मैंने दिया है यहाँ पे 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, मतलब ये कितना दे रखा है, 1.5 ग्राम। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, एन होता है नंबर ऑफ मोल, इज इक्वल्स टू गिवन मास जो आपको दे रखा होता है अपॉन उसका मॉलिकुलर मास हम खुद कैलकुलेट करते हैं। गिवन मास होता है 1.5 दे रखा है, मॉलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, C2H6 है, कार्बन का बच्चों क्या होता है, 12 होता है, तो 12 × 2 हो जाएगा क्योंकि नीचे 2 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 6 कितना हो जाएगा, 24 + 6 कितना हो जाएगा, 30। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/20, समझ रहे हो, 1/20, ये डेसिमल प्लेस भी है, ये भी नीचे आ जाएगा, तो 1/20 नंबर ऑफ मोल्स आ गया हमारा C6H6 का। अब मैंने 1 मोल की वैल्यू निकाल ली थी, अगर मैं कहूँ 1/20 मोल्स कितने होंगे तो वो क्या आएगा, 7/2 × 1/20 कितना हो जाएगा, 7/40, मतलब ऑक्सीजन के कितने मोल्स हुए, 7/40। अब ऑक्सीजन का मास निकालना है, 7/40 क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स, मैंने क्या फॉर्मूला बोला, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास तो दे नहीं रखा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो ऑक्सीजन का होता है 16, O2 है, 16 × 2 कितना हुआ,
32, तो यहाँ क्या आ जाएगा 32, तो गिवन मास कैसे निकलेगा 32 को, यहाँ ले जाओ 7/40 × 32, 4 के टेबल पे काट रही हूँ, 5.6 आ गया बच्चों, ऑक्सीजन का 5.6 आ गया, इथेन का 1.5 दे रखा था, मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड का मास आ गया। ठीक है, अब आप टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हो, 5.6 + 1.5 करो। ठीक है, क्या बोला मैंने, 5.6 + 1.5, 7.1 आ गया आपका इस तरफ मास ऑफ रिएक्टेंट। अब आपसे पूछा गया है ये फॉलो करता है कि नहीं करता, अब प्रोडक्ट वाली साइड को भी तो देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाली साइड में क्या दे रखा है, दोनों का आपको गिवन मास दे रखा है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालो या तो, या फिर इसी तरीके से निकालो भी, इसके 2 मोल्स 4 प्रोड्यूस करेंगे, एक कितना करेगा, तो जब आप इधर के निकालोगे आपको देखने को मिलेगा वो भी 7.1 ही आ रहा है टोटल मास, तो मतलब क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि डाउट ना हो, क्योंकि आप सब न्यू हैं तो आपको पता नहीं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, ठीक है, इथेन मैंने आपको बोला भी फॉर्मूला होता है C2H6, ठीक है, ऑन कंप्लीट कंबशन, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, कंबशन का मतलब ये होता है O2 की प्रेजेंस में बर्न करना, ठीक है, कंप्लीट कंबशन पे वो क्या देता है, 44 ग्राम ऑफ CO2 देता है, और क्या दे रहा है हमें, 2.7 ग्राम ऑफ H2O दे रहा है। ठीक है, इसका भी ग्राम दे दिया गिवन मास, इसका भी गिवन मास दे दिया, लेकिन हमें इसका नहीं दिया, ऑक्सीजन का नहीं दिया। ठीक है, एक चीज मैंने अभी आपको बोली थी भी आप नंबर ऑफ मोल्स करके निकाल लीजिए, वो चीज ये है कि यहाँ गिवन मास दे रखा है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, यहाँ गिवन मास दे रखा है दोनों का, तो आप इसको सीधा भी ऐड करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो इसका हमें पता है, गिवन मास पता है, मॉलिकुलर मास निकालना मैंने अभी आपको सिखाया है, ऐसे करते हैं भी 2 × C कार्बन का + 1 × 6, तो इससे हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास यहां से निकले, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जब निकल गए तो हमने क्या किया, जब 2 मोल 7 मोल देता है तो 1 मोल कितना देगा, 7/2, तो 1/20 मोल्स कितना देंगे, इनटू करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे, O2 का 32 हो जाएगा, तो यहां से गिवन मास निकाल दिया। सिमिलरली आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसका भी आ जाएगा, ये 4.4 है बच्चों, ठीक है, 4.4 ग्राम में आप 2.7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7.1, यहाँ करके देखा था अभी 7.1 आ रहा था मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या सोच के चल रही थी भी वहां नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं आपको, एक के दे रखे हैं एक के नहीं दे रखे, तो मैंने आपको कहा भी नंबर ऑफ मोल्स से उसका गिवन मास निकाल लो, जबकि गिवन मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो होप्स so, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम्स में आता है भी, प्रूव करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसको इस तरह से आपने प्रूव करना है भी, रिएक्टेंट वाली साइड प्रोडक्ट वाली साइड के इक्वल होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, मैंने देखना है भी आपको लॉ समझ आया कि नहीं आया, कि आप टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट को टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल पुट कर भी पाते हैं और वैल्यू निकाल भी पा रहे हैं या नहीं। सो देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन, डिक्टेट करती हूँ मैं आपको, वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। देखिए क्या है, इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 आर एडेड टू 1.5 ग्राम ऑफ CH3COOH सॉल्यूशन, रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज्ड इन द रिएक्शन। एक छोटा सा हिंट दूंगी, रिएक्टेंट वाली साइड का मास बच्चों दे रखा है, प्रोडक्ट वाली साइड का CO2 का मास नहीं पता, लेकिन CO2 के साथ कुछ और भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका मास दे रखा है, तो सिंपल सी टेक्निक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कीजिए और फिर क्या कीजिए, उसका आंसर निकालिए। ठीक है,
सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट लॉ की तरफ। सो अब है सेकंड लॉ बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो देखिए क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि नाम ही बता रहा है, डेफिनेट मतलब कि कोई फिक्स्ड अमाउंट है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, अमाउंट रेशियो, राइट? तो देखिए क्या बोलता है ये लॉ, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब एक केमिकल कंपाउंड जब भी बनता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो सेम फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं थ्रू आउट किसी भी स्टेट में, कहीं भी सोर्स से। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बात कर रही हूँ वाटर की। एक वाटर होता है सी वाटर, टैप वाटर ले लो, और एक ले लो रेन वाटर। तीन तरह के वाटर मैंने आपको बोले। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सी चीज है, H2O होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि हमने बोला है रेशो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ लिख लो हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों, आपको पता है सी वाटर में भी वाटर वाटर ही होता है, टैप वाटर में भी पानी पानी ही होगा, H2O ही होगा, H3O नहीं हो जाएगा या CO2 नहीं मिल जाएगी, नहीं, वाटर तो वाटर ही रहेगा ना, किसी भी सोर्स में रहे, कहीं पे भी रहे, उसका जो प्रोपोर्शन है मतलब जैसे वो बना है वो तो वही रहेगा ना। मान लो मैं हूं, ठीक है, मैं आज इस शहर में बैठी हूँ, ठीक है, कल को मैं चंडीगढ़ चली जाती हूँ, फिर मैं दिल्ली चली जाती हूँ, मैं तो मैं ही रहूंगी ना, मैं कोई अमिताभ बच्चन या उसमें तो नहीं चेंज हो जाऊंगी ना। मेरा जो प्रोपोर्शन है, मेरी जो मतलब जिससे मैं बनी हूँ, सेल से बनी हूँ, अब बायो वाले बच्चों के लिए, मैं सेल से बनी हूँ तो मैं ऐसी कैसी रहूंगी, या मेरी शक्ल बदल जाएगी, या मैं, चलो कपड़े तो सारे ही बदलते हैं पर मेरी, वैसे मैं बात कर रही हूँ भी, मैं तो शौर्य ही रहूंगी ना, कहीं पर भी चली जाऊं। सिमिलरली वॉटर तो वॉटर ही रहेगा, जिस एलिमेंट से बन के वो बना है, मतलब मिलके बना है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का मास पता है 1 होता है, दो हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेशो। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 1 रेशो 8। मतलब सारी तरफ सी वाटर में भी इसकी रेशो 1 रेशो 8, 1 रेशो 8, 1 रेशो 8, मतलब तीनों जगह वाटर की जो प्रोपोर्शन है वो तो सेम रहेगी ना। तो यही लॉ बोलता है भी, कोई भी केमिकल कंपाउंड है जब भी वो बनता है, कहीं किसी भी सोर्स से वो राइज कर रहा हो, लेकिन उसकी जो फॉर्मेशन है वो सेम प्रोपोर्शन बाय मास से बनती है। अब फिर से मैं रिपीट करती हूँ डेफिनेशन, अ केमिकल कंपाउंड जैसे कि वाटर, ठीक है, इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर हमेशा से ही सेम एलिमेंट से बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं हमेशा ही ऐसे ही रहूंगी, कोई और एलिमेंट आके मेरे में नहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि 1 रेशो 8 में ही जुड़ेगा, तभी H2O बनेगा, नहीं तो H2O थोड़ी बनेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकेंड लॉ। अब इस पे मैं करवाऊंगी क्वेश्चन। सो बच्चों अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ताकि जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। जब तक आप वो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको वो चीज क्लियर नहीं होगी। सो क्वेश्चन क्या है, देखिए, इन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ, ठीक है, आयरन ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन यील्ड्स 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। मतलब कि पहले किसी साइंटिस्ट ने या किसी बच्चे ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जब उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने क्या देखा भी, आयरन ऑक्साइड की जब रिडक्शन की जाती है तो उसमें से क्या सेपरेट आउट हो जाता है, आयरन निकल जाता है, और उसका उसने क्या दे दिया हमें, मास दे दिया भी, इतना आयरन क्या है सेपरेट आउट हो चुका है। फिर क्या हुआ, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या हुआ देखिए, 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, अब फिर से आयरन ऑक्साइड ने क्या दिया, गिव्स 2.03 ग्राम ऑफ आयरन ऑन रिडक्शन विद H2। फिर
फिर से क्या हुआ, भी इतना मास रिडक्शन हुआ आयरन ऑक्साइड को और आयरन लिबरेट हो गया। अब वो कहता है जो अभी आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा है उसे शो कीजिए। बच्चों वो लोग क्या कहता था एक बार उसे रिवाइज कीजिए लॉ को ताकि आपको समझ आए। मीनवाइल मैं आपको ये बताती हूँ भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था वाटर कहीं पर भी प्रेजेंट हो बच्चों उसकी प्रपोर्शन हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो सी वाटर हो, टैप वाटर हो, रेन वाटर हो, रहेगा तो वो वाटर ही रहेगा, तो वो H2O ही। मैं कहीं पर भी चली जाऊं रहूंगी तो मैं ही। सिमिलरली इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या होगा, जो प्रपोर्शन होगा आयरन का और ऑक्सीजन का वो तो सेम ही रहेगा। अब देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ, सो आई एम राइटिंग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था बच्चों, ध्यान से देखना। मास आपको किसका दे रखा है, आयरन ऑक्साइड का। सो लिखिए मास ऑफ आयरन ऑक्साइड, कितना मास दे रखा है आयरन ऑक्साइड का आपको, 2.4 ग्राम्स। फिर आपको क्या दे रखा है बच्चों, भी ये रिड्यूस होता है हाइड्रोजन के साथ और ये क्या यील्ड करता है, 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। तो अब किसका मास दे रखा है हमें, मास ऑफ आयरन दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 1.68 ग्राम। बच्चों पॉइंट को मैं ऐसे से कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए, मैंने देखा है एक आधी वीडियो में पॉइंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो 1.68 ग्राम्स। अब क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जैसे कि आपको ये दिख ही रहा है आयरन से बना है और ऑक्सीजन से बना है, आयरन का तो मास आ गया, किसका मास रह गया। कभी भी हमने कोई भी अगर हम एलिमेंट बना मतलब कंपाउंड बना रहे हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन दो एलिमेंट से जुड़कर होगी, मतलब कि जब आयरन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे तभी आयरन ऑक्साइड बनेगा ना। तो अब देखो आयरन का तो मास आ गया, अब हम किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का, क्योंकि हमने क्या चेक करना है भी कौन से दो एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े हैं, मतलब आयरन और ऑक्सीजन का देखेंगे ना हम प्रोपोर्शन। तो अब लिखिए मास ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड माइनस मास ऑफ आयरन। जब हम आयरन ऑक्साइड में से आयरन के मास को निकाल देंगे तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, यानी कि 2.4 माइनस 1.68 हो जाएगा, मानते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे ये दो डेसिमल प्लेसेस तक है बच्चों, आप 4 के पीछे 0 लगा सकते हो ताकि इजीली कैलकुलेट कर लो आप इसको, ठीक है। बच्चों ये आपके पास आता है 0.72, 0.72 ग्राम्स आपका आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर मैं बोलूं इनकी रेशियो बताइए तो आप किसी की भी रेशो कहीं पे भी पुट कर सकते हो। जैसे रेशो में क्या होता है, एक होता है न्यूमिरेटर एक होता है डिनोमिनेटर, डिवाइड वाला पता है ना, एक होगा ऊपर एक होगा नीचे। मान लो ए बाय बी है, इसकी रेशो कैसे लिखूंगी, ए रेशो बी, ऐसे ना। तो मान लो यहाँ पे ए मैंने लेट किया आयरन का, आयरन का कितना मास है बच्चों, 1.68, और बी मैंने लेट किया ऑक्सीजन का, ये कितना है, 72। तो ये क्या रेशो हो जाएगी, 1.68 रेशो 0.72। बच्चों जब इस रेशो को सॉल्व करोगे ना ये आएगा 2.33 रेशो 1, 2.33 रेशो 1। ये तो था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसका ये जो चीज है इतनी चीज है यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि अभी हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट का भी निकालेंगे ना, तो ये लिख रही हूँ यहाँ पर मैं 1.68 अपॉन 0.72, जो कि आया 2.33 बाय 1, ये रेशो हमारे पास यहां से आई। तो अब करते हैं हम सेकंड एक्सपेरिमेंट को सॉल्व, देखिए क्या है। बच्चों सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या दे रखा है, देखो इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब हमें किसका मास दे रखा है, फिर से आयरन ऑक्साइड का मास दे रखा है, कितना दे रखा है हमें आयरन ऑक्साइड का मास, 2.9 ग्राम्स। ये क्या देता है, ये 2.03 ग्राम्स देता है आयरन की। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ आयरन कितना देता है बच्चों, ये 2.03, ये पॉइंट है बच्चों, ठीक है 2.03 ग्राम। अब आयरन ऑक्साइड का मास आ गया, आयरन का मास आ गया,
आयरन ऑक्साइड में से आयरन का निकाल दिया तो किसका रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा। तो लिखिए मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बच्चों, आयरन ऑक्साइड माइनस ऑक्सीजन, आयरन करेंगे इसको इसमें से निकाल देंगे तो किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का। 2.9 माइनस 2.03, मैंने बोला था दो डेसिमल प्लेस तक हो तो पीछे एक जीरो लगा दो सॉल्व करने के लिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 0.87। अब ये आ गया ऑक्सीजन का, ये है आयरन का। मैंने आपको बोला था रेशियो निकालनी है, हमने ऊपर किसका रखा था बच्चों, हमने ऊपर आयरन का रखा था ना पिछले केस में, अब यहाँ पर भी ऊपर आयरन का रखते हैं। 2.03 बाय ऑक्सीजन का 0.87। तो बच्चों जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ ये आता है 2.33:1, सेम वही आता है जो रेशियो हमारा वो आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं पे कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो, आयरन और ऑक्सीजन जब भी आयरन ऑक्साइड बनाएंगे तो उनका क्या होगा, वो फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होंगे। मतलब वो हमेशा से ही दोनों 1:1, मतलब 2.33:1 की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ऐसे कई बार क्या होता है आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं ऑक्सीजन और आयरन का रेशियो बताओ, तो क्या हो जाएगा 1:2.33। अगर वो पूछता है आयरन और ऑक्सीजन का बताओ या सीधा पूछे लॉ को प्रूव करो, तो आप कोई भी ले सकते हो, चाहे तो आप ए बाय बी ऊपर लिखो चाहे आप बी बाय ए लिखो, लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को आपने सेम लेके चलना है। मैंने क्या किया, आयरन का ऊपर रखा ऑक्सीजन का नीचे, आयरन का ऊपर रखा ऑक्सीजन का नीचे, तो ये रेशियो निकाली है और देखा भी दोनों की रेशियो फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास भी यही रेशियो की फॉर्म में वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में प्रेजेंट है, मतलब और इसी रेशियो से वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बना था। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करने लगे हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या कहता है बच्चों, देखिए ये बोलता है व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन, व्हेन टू एलिमेंट्स ठीक है कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में हमने देखा था आयरन और ऑक्सीजन ने आयरन ऑक्साइड बनाया, एक ही कंपाउंड बनाया। मल्टीपल प्रोपोर्शन में हम क्या देख रहे हैं भी, कोई भी दो जो दो एलिमेंट्स है ना वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, मतलब ये दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड कौन से बना रहे हैं, एक तो ये बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ये बना रहे हैं CO जो कि होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मैंने क्या बोला, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है फिर क्या होता है देखो ध्यान से, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक बार पॉज हो जाइए यहां पर आइए, देखिए मैंने बोला कार्बन ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं CO2, और कार्बन ऑक्सीजन बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर किसी बच्चों को नहीं पता मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड क्या है, तो मोनोऑक्साइड होता है एक ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो कार्बन के साथ जब एक ऑक्सीजन हमने फॉर्मेशन करवाई तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं इसे सॉल्व रीड करने से पहले क्वेश्चन को समझाऊंगी जिससे आपको ये क्लियर होगा। अब कार्बन का मास कितना है इस CO2 में बच्चों, कार्बन एक ही प्रेजेंट है, कार्बन का होता है 12, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 12। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर CO2 में, दो, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 16 कितना हो जाएगा 32। अब देखिए नीचे आइए कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए, एक ही कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन का कितना होता है बच्चों 12। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है बच्चों, एक ही प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो अब देखते हैं वो क्या कहता है, देखिए जब उसने कहा कि दो एलिमेंट्स कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, यानी कि CO2 बना रहे हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, देन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मास, अब कार्बन का दोनों में मास क्या है 12 और 12, ऑक्सीजन का क्या है, एक में तो 32 है एक में 16 है, तो डिफरेंट किसका हुआ, कार्बन का डिफरेंट हुआ या ऑक्सीजन का, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का हुआ क्योंकि इसमें CO2 में ऑक्सीजन का मास है 32, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में उसका मास है 16। सो व्हेन द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन के जो डिफरेंट मासेज हैं विच कंबाइन विद,
द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो किससे कंबाइन कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से ही कंबाइन कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन का तो डिफरेंट मास है। फिक्स्ड मास किसका है बच्चों, कार्बन का है। दोनों केसेस में कितना है, 12 12। कार्बन डाइऑक्साइड में भी 12 है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 12 है, मतलब क्या है, सेम है, फिक्स्ड है, ठीक है। विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो, ठीक है, टू वन अनदर। अब ये एलिमेंट जो एक फिक्स्ड एलिमेंट से कंबाइन करता है, उस एलिमेंट के अंदर क्या होती है, एक स्मॉल फिक्स्ड रेशियो। देखो ऊपर क्या है, 32, CO2 में 32%, मतलब 32 मास है। नीचे कितना मास है, 16। तो बच्चों इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, 2:1, जो कि क्या है, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। आपको समझ आया ये। अभी एक और एग्जांपल लूंगी, उससे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना नोट डाउन करेंगी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और जब आप ये एग्जांपल लिखे बच्चों, तब लोगों को बोल बोल के भी ऑक्सीजन का डिफरेंट मास है, जो कि एक फिक्स मास ऑफ कार्बन से जुड़ता है, तो जो ऑक्सीजन वालों के मास है उनकी क्या होती है, एक होल नंबर रेशियो होती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, देखिए। अब आप सबने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में सुना होगा। अगर मैं लेती हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों, ये दो कंपाउंड, मैंने क्या बोला, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। एक बार तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बना दिया, H2O। एक बार इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना दिया, H2O2। इसे नोट डाउन कर लीजिए, H2O2 होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इन दो एलिमेंट ने मोर देन टू कंपाउंड बना लिए। अब हम चेक करेंगे किसकी रेशियो फिक्स्ड है और किसकी रेशियो क्या करती है, होल रेशियो नंबर में प्रेजेंट होती है। तो देखो हाइड्रोजन H2O में कितने प्रेजेंट है, दो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, वन, तो 1 × 2 कितना हो गया बच्चों, टू। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, एक। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब नीचे देखो H2O2 में देखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, दो। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दो। ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो दो का कितना होगा, 32। अब कौन सा एलिमेंट फिक्स है और कौन सा होल नंबर रेशियो में मिलेगा, हाइड्रोजन फिक्स है, दोनों की केस में 2 है, लेकिन ऑक्सीजन अब होल नंबर रेशियो में मिलेगा, यानी कि 16:32, 1:2, ठीक है। तो ये क्या बियर करता है, ऑक्सीजन एक होल नंबर रेशियो बियर करता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आपको मैं एक और लास्ट एग्जांपल करके दिखाऊंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा भी कई क्वेश्चंस में ऐसा आ जाता है कि दोनों की ही रेशियो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, तो तब क्या करना है। तो बच्चों अब एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए क्या है। दो एलिमेंट, व्हेन टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं। अब बच्चों यहां पर वो 1 2 3 4 5, पांच कंपाउंड मैंने आपको दिखाए हैं। तो अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इनके मासेस लिखेंगे हर के केस में। यहाँ देखिए N2O के केस में N कितने हैं, दो। एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 28। फिर देखिए ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, वन। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। फिर देखिए सेकंड केस में क्या है, NO बना हुआ है, मतलब एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो कितना होगा, 14। एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कितना होगा, 16, ठीक है। थर्ड केस में कितने एन है, दो है, मतलब 2 × 14, मतलब 28। और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है बच्चों, तीन प्रेजेंट है, तो 3 × 16 कितना होता है बच्चों, 48, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट केस में NO2 है, इधर नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है, एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14। ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो 2 × 16 कितना होगा, 32। फिर देखिए लास्ट केस में दो एन प्रेजेंट है, मतलब 2 × 14 कितना हुआ, 28। और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, फाइव प्रेजेंट है, तो 5 × 16 कितना होता है, 80। अब सरप्राइजिंगली हमारे दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कोई भी नहीं प्रेजेंट। यहाँ देखो क्या सेम वैल्यू है, नहीं है। नाइट्रोजन के केस में क्या ऑक्सीजन में सेम वैल्यू नहीं है।
अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक एलिमेंट की रेशियो को फिक्स करना पड़ेगा। कैसे फिक्स करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे फिक्स करेंगे? या तो सारों को 80 बना दो क्योंकि हाईएस्ट नंबर देखना है। तरीका बताऊं करने का, आप सोचोगे किससे मल्टीप्लाई करें किससे डिवाइड करें। हाईएस्ट नंबर 80 है, या तो सबको 80 बनाने के लिए और मल्टीप्लाई करते रहो, या फिर नाइट्रोजन के केस देखो, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी को क्या है बना दो 28, 28 हाईएस्ट नंबर है। अब 28 बनाने के लिए किसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को, तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नई इक्वेशन में क्या आएगा देखिए, नाइट्रोजन यहाँ लिख रही हूँ, देखो नाइट्रोजन का पहले का तो 28 था, 28 ही है, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 28, थर्ड वाले का क्या हो जाएगा 28, फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा बच्चों 28, और लास्ट वाले का तो था ही 28। अब यही ऑक्सीजन का लिख के दिखाती हूँ, ऑक्सीजन का पहले का तो सेम रखना है, सेकंड में 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो सबको करेंगे, मतलब 2NO कर दिया मैंने, तो 2 × 16 कितना हो जाएगा 32, फिर अगले का तो सेम ही है तो 48 रहने दो उसका, यहाँ लिख लेना नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फिर देखिए ये भी अब मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो 32 × 2 करूंगी तो 64, अब लास्ट का तो सेम ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, भी नाइट्रोजन का तो हमने फिक्स कर दिया और ऑक्सीजन का जो होगा वो होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होगा। अब होल नंबर रेशियो देखिए, 1:2:3:4:5, मतलब इसको मल्टीप्लाई करते रहो, ये सारे 16 का टेबल आ गया है, तो इसकी होल नंबर रेशियो क्या बनेगी, 1:2:3:4:5। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब एक से ज्यादा जब कंपाउंड्स बनते हैं तो उसमें भी हम सिंपल होल रेशियो निकाल सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट को फिक्स करके। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लॉ। सो अब हम देखने लगे हैं फोर्थ लॉ के बारे में। फोर्थ लॉ है गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस। बच्चों इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला गैसेस का लॉ है ये, तो इसमें हम गैसेस वाले ही एलिमेंट्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2+Cl2 gives HCl, तो ये सारे गैशियस फॉर्म में ही प्रेजेंट है। मैं यहाँ ब्रैकेट में नीचे गैशियस जी लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है ये लॉ, व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं दे डू सो इन वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं। अभी इतनी एमएल की मतलब रिएक्शन हुई है, इतनी एमएल की गैस ने इतनी एमएल की गैस से रिएक्शन की, ठीक है। विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर, तो जो क्या ये क्या करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो एक दूसरे से बियर करेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट से भी करेंगे, और वो जो प्रोडक्ट अगर गैशियस हुआ तो उससे तो पक्का ही करेंगे। तो अब देखिए इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल बताती हूँ। अब पहले से आप देखिए बैलेंस्ड है कि नहीं, बैलेंसिंग कैसे चेक करनी है, इधर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, रिएक्टेंट वाली साइड में टोटल दो है, प्रोडक्ट वाली साइड में भी दो होने चाहिए, तो इसके आगे टू लगा दीजिए। अब क्लोरीन यहाँ देखिए रिएक्टेंट वाली साइड में दो है, तो प्रोडक्ट वाली साइड में भी दो हो गए ना, मतलब बैलेंस हो गए, ठीक है। तो अब देखिए क्या इसमें करना होता है, इसके आगे वन है, इसके आगे भी वन है, अगर मैं इनके कोफिशियंट्स लूँ, इसका मतलब क्या हुआ, वन मोल हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका बता रही हूँ इसको सॉल्व करने का, एक मोल ने ये कितने प्रोड्यूस करे, ये भी एक मोल, इसी एक मोल ने एचसीएल कितने प्रोड्यूस करे, 2 मोल, क्यों, क्योंकि कोफिशियंट लिख रही हूँ। देखो ये एक मोल, इसके 2 मोल, मैथमेटिक्स बता रही हूँ, ये एक मोल इसके 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मान लो इसका वॉल्यूम आपको 40 ml दिया है, ठीक है, तो इसका 40 ml ये कितने प्रोड्यूस करेगा, पहले तो जब ये एक मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो मतलब 40 ml इधर भी 40 ml प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब ये एक मोल इधर 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो ये 40 ml इधर कितने प्रोड्यूस करेगा, 40 × 2 यानी कि 80 ml, समझ पा रहे हो ना। अब अगर मान लो मैं आपको बोल देती हूँ ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, भी 100 ml CH4 का जो है, ये एग्जाम्पल छोड़िए, मतलब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, भी अगर मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर और कुछ दे दूँ, 80 ml दे दूँ, ठीक है, और यहाँ वैल्यू 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, एक मोल अगर 3 मोल प्रोड्यूस करेगा तो 80 कितने प्रोड्यूस करेगा, 3 × 80, अगर इसका हाफ हो जाता है ये तो इस वैल्यू का भी हाफ हो जाएगा।
मतलब आपने इन मोल्स को देख के चलना है, मतलब इन कोफिशिएंट्स को लेकर चलना है और इसे सॉल्व करना है। तो ये था गे लुसैक्स लॉ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ। सो बच्चों, अब है हमारा लास्ट लॉ। देखिए क्या है, बेसिकली ये एक हाइपोथेसिस है जिसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो एवोगैड्रो है उन्होंने बोला था कि अगर टेम्परेचर या प्रेशर जैसी कोई भी फिजिकल कंडीशन, या मतलब हमारे पास होती है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब को सेम रख दिया जाए, ये सब चेंज ना की जाए, दे रिमेन अनचेंज्ड, तो उस केस में क्या होता है, जो वॉल्यूम गैसेस का होता है ना, वो क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। लेकिन कौन से वाले, जो इक्वल वॉल्यूम कंटेन करते हैं उन्हीं के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 100 ml ऑफ CH4 में है 9 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और आपसे पूछूं 100 ml ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो मैंने बोला ऐसे, मतलब ये ml में बच्चों, मैंने बोला जो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम कंटेन करता है उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम, तो ये क्या आ जाएगा, 9 मॉलिक्यूल्स। लेकिन यही आपसे मैं एक और चीज पूछ लूं भी, 50 ml ऑफ NH2 फिर कितने कंटेन करेगा, NH4 सॉरी, कितने कंटेन करेगा, 100 में जब 9 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका आधा करना, मतलब कि मॉलिक्यूल्स का हाफ करना, तो वो क्या हो जाएगा, 9/2 मॉलिक्यूल्स। और यही मैं आपसे पूछ लूं भी 200 ml कितने प्रोड्यूस करेगा, तो वो 9 × 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कहता है कि कोई भी अगर हमारे पास आता है वॉल्यूम, अगर इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल, लेकिन कंडीशन अप्लाइड अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तभी, नहीं तो नहीं, ठीक है। सो यहीं से हम हमारी ये वीडियो समाप्त करते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी लॉ में कहीं पे भी डाउट है आप मेरे को टाइम भी बता सकते हो, इतने टाइम पर मैम ये वीडियो चल रही थी, यहाँ डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर मजा आया तो, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।